इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा फारूक हैदर का कहना था कि वो क़यादत के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। नामजद वजीर आजम आजाद कश्मीर ने कहा कि उनका एजेंडा मेरिट, गुड गवर्नेंस और करप्शन के खिलाफ अदम बर्दाश्त होगा। आजाद कश्मीर में एहतसाब होगा, इंतकाम नहीं। मैं आजाद कश्मीर के आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि आपके वो खदशात इंशाल्लाह ताला उनको दूर करेंगे और वो तकलीफ और मुसीबतें, खास तौर पर मेरिट की पामाली, करप्शन, इसके खात्मे के लिए हुकूमत मीडिया के तवस्सुल से अपने आजाद कश्मीर के भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, इन मामलात पर मेरे सदर, मेरे लीडर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुकम्मल मुझे ताईद हासिल है। राजा फारूक हैदर का कहना था कि वो आजाद कश्मीर की आवाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। आजाद कश्मीर असेंबली के नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का फैसला मुशावरत से किया जाएगा। हमारी जरूर ख्वाहिश होगी कि फामो तफीम से सूबे के तमाम मामलात हल हों, कश्मीर में सड़कों का